दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था को संवैधानिक करार दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेवी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इन जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने और अन्य 3 जजों से असहमति जताते हुए इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया है। तो वहीं प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने भी जस्टिस भट्ट से सहमति जताई और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक माना है। आपको बता दें कि आज सीजेआई उदय उमेश ललित का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था। वह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। We'll be right back.